गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं भी विकीआचार्य, और आप देख रहे हैं विकीआचार्य व्लॉग्स। आज मैं आपको ले जाऊंगा गौशाल गांव की तरफ। सबसे पहले जाएंगे मनाली, और वहां पर कुछ उन्हीं का काम है, सामान वगैरह की लिस्ट देखनी होगी, चेक करनी होगी, और उसके बाद ले जाऊंगा मैं आपको सीधा गौशाल। मौसम काफ़ी अच्छा है आज, तो सीनरी वगैरह काफ़ी अच्छी दिखेगी। गौशाल से गाँव भी हमारा बहुत बढ़िया दिखता है। तो चलिए पहले निकलते हैं, मनाली पहुंचते हैं, उसके बाद करते हैं बात। इस हवा की वजह से इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है आज, क्या बताइए। हवा भी अच्छी खासी चली गई। तो अभी मैं नेहरूकुंड मोड़ पे आया हूँ, बैठा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरा काम थोड़ा लेट स्टार्ट होगा। और जो मनाली में काम था मेरा, लिस्ट वगैरह चेक करने का, चेक कर दिया, थोड़ा बहुत सामान था वो लिखवा दिया अलग से। तो अब लगभग एक घंटे के बाद बुलाया उन्होंने, तब तक अब घर क्या चल रहा है। जी हाँ, बैठते हैं नज़ारे देखते हैं, मज़े करते हैं, ब्लॉग करते हैं बढ़िया सा। उसके बाद जाएंगे हम लोग गौशाल भांदल के पास से, आज रसोई मेरी, और वहाँ पर ब्यासर एरिया की कोई देवता है वहाँ पे, तो उनके लिए प्याली बननी है, मतलब डिनर बनना है शाम का, इसीलिए लेट शुरू होगा। इतना बढ़िया मौसम है आज की, ये देखिए टंकी में मेरा पूरा शीशे की तरह दिख रहा है आज, क्या बात। इस पॉइंट पर हमेशा एक फूड बैन लगी होती है, यहाँ देखिए ये परमानेंट फूड बैन लगी है यहाँ पर। कभी भी आइए आप, ये हमेशा यहाँ मिलेगी, और हमेशा आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा खाने के लिए। जो नेहरूकुंड मोड़ है, ये बड़े बढ़िया दिखते हैं। कुछ गाड़ियाँ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही हैं, और नीचे भी फूड बैन लगी हुई है, वहाँ फूड बैन लगी हुई है नीचे, और यहाँ पर ये भी वैन ही है, वैन टाइप की है, टायर लगे हुए हैं, खोखे हैं, छोटी छोटी दुकानें बनाई है लोगों ने। हवा बड़ी तेज़ चली गई, और कुछ नहीं, ठंडा हो रहा है यहाँ पर बैठ के। वाह, ऊपर देखिए सीनरी, ये तो अभी देखी मैंने, बर्फ़ बर्फ़ के नीचे ये बर्फ़ दिखी है, और ये आपका मझाच गाँव है, आप प्रकृति की गोद में फर्स्ट क्लास। चलिए अब यहाँ आया तो हूँ, यहाँ आ ही गया हूँ, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, देखते हैं कैसे आते हैं, बढ़िया आते हैं या। मैं पहुंच गया हूं जी गौशाल में, और भांदली माता के दर्शन करने के बाद मैं नज़ारे ले रहा हूं, ये विशिष्ट है। और बोलते हैं यहां पर बहुत बड़ी आकृति है हनुमान जी की, जोगनी फॉल के बिल्कुल नज़दीक, और ये रहा जोगनी फॉल। वीडियो बात कर रही है।
ऊपर खूब देवली चली है, बहुत भयंकर वाली देवली चली है ऊपर। और मुझे लगता है कुछ एक क्लिप देवता की ख़राब हो गई है मेरे फ़ोन में, तब भी मैं चलिए जितना हो सके उतना डालूंगा। बाकी अभी टाइम हो चुका है लगभग 6 बज गए हैं, अंधेरा हो चुका है यहाँ पे और अभी भी देवली चली है ऊपर, तो इसका मतलब है कि मैं काफ़ी लेट फ्री होऊंगा आज। खाना मेरा काफ़ी टाइमली हो गया, तो लगभग 5 बजे मैंने बना दिया था खाना। तो चलिए अब जब तक होता नहीं है तब तक वेट करते हैं, और क्या कर सकते हैं, वेट ही करना पड़ेगा। अब अभी तक तो भोग भी नहीं लगा, अभी ऊपर जाएगा देवता के पास भी जाएगा भोग, यहाँ से चावल दाल जाएंगे शायद, तो अभी तो वो भी नहीं हुआ। अग्नि भोग मैंने काफ़ी पहले लगा दिया है, और अभी यहाँ पर एक भी बंदा नहीं है, ना गांव वाले ना जो देवता के साथ आए हैं, वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ यहाँ बैठ के करेंगे। मेरा ठंड से सारे मर रहे हैं, मैंने आग भी नहीं दी किसी को मेरे पास है आग, क्योंकि मना कर दिया मुझे कि बाहर किसी को नहीं सेकने देनी है, नहीं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। बाकी चलिए देखते हैं कितनी देर में होंगे फ्री। काफ़ी भीड़ है ऊपर, मुझे लगता है लगभग 250-300 लोग तो होंगे ही। छोटा सा स्पेस है, यहीं बांधल के पास है हम लोग, मैं मतलब बांधल के पास हूँ, बांधल से एक घर नीचे यहाँ बनती रहती है रसोईयाँ। ब्यासर के नाग देवता जी हैं कोई, वो आए हैं यहाँ पर बांधल के पास, बांधल से मिलने। बांधल जो हमारी नाग माता है, नाग माता बोलते हैं, यहीं से सारे नाग निकले हुए हैं ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये नाग कोई भी जो है वैली में फैले हुए हैं, ये टाइम पे आते रहते हैं यहाँ पे। तो आज वैसे ही जो ब्यासर के नाग देवता हैं वो आए यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इंतज़ार करता हूँ मैं थोड़ी देर। कड़ कड़ के मेरी कड़ी तैयार हो रही है। वेलकम बैक गाइज, शाम हो गई है, घर पहुंच चुका हूं मैं, और यहां डिनर चला हुआ है, क्या चाउमीन चला हुआ है, मोमो चले हुए हैं, मज़े लगे हैं, और मेरा गच्चक चला हुआ है। गच्चक का आजकल टाइम आ चुका है, और गच्चक खाने का, और रोज़ के गच्चक चलाएंगे अब। हाय बू, आ जा। बस छोटी छोटी क्लिप कुंड में चलो अपने चल नीचे बैठ सीधा बैठ नीचे बैठ आजा नीचे बैठ इसके अंदर बाद में ही सर गिरू। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही गाइज, अब मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, रेड बटन दबा दें, और साथ में बेल आइकन भी है उसको भी दबा दें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचें। ओके बाय, मिलते हैं कल।